तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और इस अवसर पर जो कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, वहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, संस्कृति मंत्री ने, मानव संसाधन विकास मंत्री ने, सभी ने जो देश की जो भाषाई विरासत है उसके संरक्षण की बात कही। तो आज इसी संदर्भ में हमारे साथ भी स्टूडियो में बात करने के लिए खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में ही बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई वरिष्ठ पदों पर रहते हुए काम कर चुके हैं श्री रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, बहुत सारे अखबारों के साथ, चैनल के साथ और मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है, तो इस तरह विभिन्न विषयों पर लिखते हैं, पढ़ते हैं और इन सभी की समझ रखते हैं। तो श्रीवास्तव जी, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, भाषा, देश की भाषाई विरासत की संरक्षण की बात लगातार की जाती है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ये बात कही, किस तरह देखते हैं? 1 लाख से ज्यादा आयोजन आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हो रहे हैं, तो वर्तमान संदर्भ में इतने व्यापक पैमाने पर इस दिन को मनाने का क्या महत्व आप देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है और एक बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ है कि जो भाषा की जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बना, उसमें बांग्लादेश से शुरुआत हुई, क्योंकि जब ये अनडिवाइडेड था, मतलब डिवाइडेड नहीं था, बांग्लादेश बना था, तो वहाँ पर एक लड़ाई हुई लैंग्वेज को लेकर के। वेस्ट जो अभी जो पाकिस्तान है जी, उन्होंने कहा कि उर्दू लैंग्वेज रहेगी। उन्होंने वहाँ पे, चूँकि काफ़ी जो लैंग्वेज लोग थे उसमें बांग्लादेशी थे, वो चाहते थे हमारे बांग्लादेश की भाषा को संरक्षित किया जाए, उनको अलाउ किया जाए उसमें बोलने के लिए, वहाँ शुरुआत हुई। तो हमने कहा जो भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है, इसलिए और भी हमारे गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है जो हमारे उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात है कि देखिए, जो लैंग्वेज की बात है, हम अंतर्राष्ट्रीय हमारी भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उसको बढ़ाती है। तो जो बात हो रही है, एक लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि अब जो मल्टीलिंग्विस्टिक बात हो रही है, जो विविधता हमारी है उसको संरक्षित करने की बात हो रही है। तो इस एक दिन के अवसर से हम ये चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहती है सरकार, देना चाहती है समाज को, देना चाहती है कि जो हमारी एक ट्रेजर है, हमारा जो खजाना है, उसको संरक्षित किया जाए। हम एक लैंग्वेज चक्कर में ना पड़ें, हम लड़ाई में ना पड़ें, क्योंकि कई बार भाषा की लड़ाई होती है जगह जगह पर। तो भाषा अगर हमारी है तो हमारी एक हमारी लिटरेचर में है, हमारे मिट्टी खुशबू में है, हमें उससे महक मिलती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारे व्यक्तित्व का पार्ट है वो। तो ये जो भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, वो भाषा से जुड़ता है, भाषा हमें जोड़ती है। तो इस दिवस के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जो विविधता हमारी है उसको बचा के रखा जाए, संरक्षित किया जाए और उसके माध्यम से हमारा विकास हो। जी हाँ, वही बात मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी ये बात कही थी कि देश की लगभग 196 भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता है। 196 भाषा, मतलब इतनी भाषाएं अकेले एक देश में जो विलुप्त प्राय हो रही हैं, उनके संरक्षण करने की जरूरत है। तो आप सोच सकते हैं कि कई देशों में तो मुश्किल से दर्जन भर भाषाएं भी नहीं होती हैं, और आज हम हमारे देश की 196 भाषाओं की विलुप्ति की कहीं ना कहीं कगार पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनके संरक्षण की बात कही। तो आज कहीं ना कहीं जो विदेशी भाषाओं का प्रभाव है, चाहे अंग्रेजी का प्रभाव हो या फिर हर कोई अपनी अपनी भाषा को थोपने की बात जो करता है जी। तो उस इस मानसिकता से बाहर निकलकर हर कोई अपनी भाषा के संरक्षण का, अपनी मातृभाषा के जो जो जमीन से हर, क्योंकि हर भाषा में उस जमीन की खुशबू होती है, वहां मिट्टी की खुशबू होती है, उसके संरक्षण की बात कही जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जब कोई भाषा मरती है, जब कोई भाषा डूबती है, तो उससे आखिर वहां की जो ज्ञान की विरासत है, जो वहाँ की प्राची विद्या है, उसको कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। देखिए, बचपन से माँ की कोख, जैसे प्रहलाद सिंह पटेल जी बोल रहे थे मंत्री, कि जब माँ की कोख में पैदा होते हैं जी, तो माँ से जो हमें चीज़ मिलती है, देखिए उसमें कोई लैंग्वेज तो नहीं होता है, वो भी एक लैंग्वेज होता है। उस लैंग्वेज में जो माँ और बच्चे में जो कम्युनिकेशन होता है जी, जो संचार होता है, वो आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, वहीं से हमारा ये व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम शिक्षा लेते हैं, फिर माइग्रेशन हमारा होता, बाहर जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो फिर जो लैंग्वेज हमारा है, जिस जमीन से हम जुड़े हुए हैं, वो उस पर खतरा आना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हमें जॉब इंग्लिश में चाहिए, हमें जॉब मिल रहा है तो हमें आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, बिजनेस सेक्टर में जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी है कि आपको अगर जैसे भी अगर अमेरिका में, यूएसए में, उसमें जो आईटी सेक्टर आपका है, टेक्नोलॉजी है, इंडिया का बहुत आए थे, हम डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो लैंग्वेज का फ़ायदा हमें मिला, क्योंकि अंग्रेजी में हमारे जो बच्चे हैं, जो अगर मान लीजिए फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाया जा रहा है, चाइना में चाइनीज पढ़ाया जा रहा है, तो उनके मुकाबले हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं यूएसए में, जो 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 वहाँ पे आईटी सेक्टर में। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि जमीन से जब कटते हैं आप, तो जमीन से पूरी तरह कट गए आप,
फिर जो लैंग्वेज आपकी है, फिर जो अगली पीढ़ी आती है वो लैंग्वेज से छूट जाते हैं। जैसे मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वहाँ से कट गए, तो लैंग्वेज से जुड़े नहीं रहेंगे, जब तक मिट्टी से जुड़े नहीं रहेंगे वो लैंग्वेज खतरा होना शुरू हो जाना। और जो 196 जो भाषा है ये पूरे विश्व में अंकुर जी करीब 3000 ऐसी भाषा है जिस पर ऐसे खतरा मंडरा रहा है। हमारी शिक्षा से जाब से जुड़ा हुआ, जहाँ माइग्रेशन चालू होता है हम जॉब के लिए आगे बढ़ते, फिर हम जमीन से कटते जाते हैं, तो दिक्कत आ रही है। देखिए एक और जो महत्वपूर्ण बात उपराष्ट्रपति ने कही थी और उसका जिक्र आपने भी किया कि रोजगार हासिल करने के लिए भारतीय भाषाओं के ज्ञान को अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहां पर अंग्रेजी का ही ज्यादा हमें बहुलता देखी जाती है, अंग्रेजी का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। तो बच्चों को स्कूल में ही मातृभाषा में शिक्षा मुहैया कराई जाए, ये जो बात उपराष्ट्रपति ने कही इसके क्या मायने हैं? नहीं, इसका बहुत अच्छा संदर्भ है। हमारा कहना देखिए, इंग्लिश या कोई लैंग्वेज में लड़ाई नहीं होती, हमारी जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हमारा अंतर्द है वो लड़ाई कराता है। लैंग्वेज जितना रहेगा वो आपको रिच बनाता है। देखिए इंडिया की खूबसूरती क्या है, हमारे भारत की खूबसूरती क्या है, पूरे विश्व में हम विविधता वाले देश हैं, ऐसा कोई देश नहीं है। इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, अब हर 200 किलोमीटर भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है, इवन भाषा के अंदर भी भाषा बदल जाती है। भोजपुरी दस तरह की भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी दस तरह की भोजपुरी हिंदी बोली जाती है। तो ये जो हमारी विविधता है विश्व में कहीं नहीं मिलता है, ये भारत में ही मिलेगा आपको। तो लेकिन प्रॉब्लम समस्या ये है कि जब हम उससे कटते हैं तो दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पे जो हमें करना है, जैसे अब मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दूँ आपको, उदाहरण दूँ, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय खोला गया, लेकिन जब बच्चे वहाँ पर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो जो कोर्स है, जो किताबें हैं वो इंग्लिश से मिलती हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले नहीं हैं। फिर हिंदी में अगर पढ़ाई कर लिया उन्होंने, फिर जॉब कैसे मिलेगा? क्योंकि जॉब में जब जाते हैं वो, तो दिक्कत आती है लैंग्वेज की, कि वो उसमें समझना पड़ता है उनको। तो ये प्रारंभिक स्तर पर अगर स्कूल से शुरू कर देंगे, उस स्तर पर हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में जॉब मिलने का अगर हमें स्कोप रहेगा, वो फिर एक प्रोसेस बनेगा, तो जाहिर है फिर उससे भाषा को एक बढ़ोतरी मिलेगी और संरक्षण भी मिलेगा। जी देखिए, लेकिन अक्सर एक चीज देखी जाती है कि आज जो विदेश अंग्रेजी भाषा का खासतौर पर जो दबदबा है, उसके कारण जब कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करता है तो उसे हमने पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया है। हमने सोचा है ये व्यक्ति मतलब यदि कोई अपनी स्थानीय भाषा में बात कर रहा है तो हम उसे ज्ञान के स्तर पर भी सोचते हैं ये डाउन है। यदि कोई बुंदेलखंडी में बात करता है, कोई बघेलखंडी में बात करता है, या जैसा आपने भी उत्तर प्रदेश की बात की, कोई अवधी में बात करता है, तो जब भी हम स्थानीय भाषाओं में बात करते हैं और उस व्यक्ति के अंदर भी ये मानसिकता कहीं ना कहीं हीनता का बोध कहीं ना कहीं रहता है कि वह अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रहा है, या वो शहरों में आकर वहां के लोगों की तरह चाल चलन नहीं चल पा रहा है। तो ये जो हीनता का बोध है, इसे कम करने के लिए आखिर समाज में कैसा माहौल होना चाहिए जिससे वो व्यक्ति अपने को हीनता बोध से ग्रसित ना माने और वह फ्रेंकली अच्छे से अपनी बात को रख सके? नहीं देखिए, हमारी तो मानसिकता है, ये शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। अगर हमने सोच लिया कि हम हिंदी बोलने से हीन महसूस कर रहे हैं जी, हमने सोच लिया कि हम भोजपुरी बोलने से हीन महसूस कर रहे हैं, या हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, मातृभाषा है, ये तो अगर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब तो हम एक व्यक्ति इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हम अपना एग्जाम्पल बताऊँ, जब हमारे घर के लोग बात करते हैं जी, तो मैं ऑफिस में हूँ, बाद में भोजपुरी में बात करता हूँ, मुझे बिल्कुल, आप हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहे हैं, अंग्रेजी बड़े अंग्रेजी अखबार के साथ जुड़े होने के बाद भी घर में रहते हैं, स्थानीय भाषा में बात करते हैं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे जो लगता है भाषा से जो प्रेम है, जो हमारी भाषा जो हम भावना हमारी है, तो उसका संचार जितना अच्छी तरह से अपनी भाषा में कर पाएंगे, हम दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। तो ये हीन भाषा हमारी वजह से है। जैसे बच्चों का जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे हैं, बच्चे और कहते हैं बेटा पोएट्री सुनाओ, वो कविता भी उसका बोल सकते हैं उसको जी। तो हमारे ड्राइंग रूम से शुरू होना है, हमारे घर से शुरू होना है ये मुहिम, कि हम जो बच्चा होगा उसे हिंदी में बात करेंगे जी। अपनी लैंग्वेज बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चा जब बाहर जाएगा वो उस भाषा में बात, लेकिन बच्चे शुरू से बोलेंगे कि बच्चा बेटा तुम इंग्लिश से बात करो, बेटी तुम इंग्लिश से बात करो, तो बच्चा हिंद भावना से ग्रसित होगा। तो हमें घर में माहौल देना पड़ेगा, एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि नहीं, हमारी भाषा जो है और सबसे श्रेष्ठ सभी अपनी भाषा बोलेंगे। बिल्कुल, हमारे काम की भाषा दूसरी भाषा हो सकती है, इंग्लिश हो सकता है, उड़िया हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, लेकिन जो हमारी कम्युनिकेशन की भाषा है, संचार की भाषा है, भावना व्यक्त करने की भाषा है, हमारी अपनी भाषा होगी, तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश में भी जब अलग अलग कोनों में जाते हैं तो वहां पर हर भाषा का, अपनी जमीन से जुड़ी भाषा का टच मिलता है। आप जब सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ तरफ जाते हैं तो वहां बुंदेलखंडी की अपनी महक मिलती है। जब आप इंदौर, बड़वानी या निमाड़ अंचल के जिलों में जाते हैं तो वहां पर आपको एक मालवी का स्वाद आता है, निमाड़ी अंचल की जो अपनी मिट्टी से जुड़ी भाषा है वो सुनने को मिलती है। इसी तरह भोपाल में आइए तो आपको एक भोपाल की अपनी एक लोक भाषा है, अपनी एक भाषा है। तो इस तरह से हम जिस भी जमीन पर जाते हैं, उस जमीन से जुड़ी हुई भाषाएं कहीं ना कहीं वहां की
पूरी समृद्ध संस्कृति को बयां करती है। आखिर में बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास रह गया श्रीवास्तव जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो विलुप्त प्राय भाषाएं हैं, आखिर हालांकि सरकार काम कर रही है कि 1 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को उनकी मातृभाषा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ और इस तरह के काम किए जाएं, किस तरह का मीडिया का रोल हो, प्रशासन का रोल हो, जिससे मातृभाषा के उन्नयन में हम कुछ काम कर सकें? देखिए, केवल सरकार का काम नहीं है, पहले तो हमें सोचना पड़ेगा। हमने कहा जैसे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हमारे लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, साहित्य से जुड़ा हुआ है। एक और चीज़ बताऊँ आपको, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन से करना होता है, तो जितना इफेक्टिव, जितना प्रभावी और लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है, जो स्लोगन हम देते हैं, लोगों से बात करते हैं, चाहे परिवार नियोजन हो, चाहे आंगनबाड़ी का कोई काम हो, तो उतना प्रभावी दूसरी भाषा नहीं होती। तो हमारा एक तो यही प्रयास है कि जो लैंग्वेज में जो इम्प्लीमेंटेशन हो सारे प्रोग्राम में, उसको उसी लैंग्वेज किया जाए, लोकल लैंग्वेज किया जाए। दूसरी बात है मुहिम की बात, हमने कहा कि जो विभिन्न ग्रुप हैं, समूह हैं समाज में, वो भी आ गया है कि सरकार पर ना छोड़ा है, और एक दिवस ना हो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, किस फरवरी ना हो, 365 दिन होना चाहिए, 365 दिन हमें कहीं ना कहीं सब उससे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत अहम बात कही कि सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने स्तर पर मातृभाषा के उन्नयन के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास था और इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बहुत अहम चर्चा यहाँ पर रंजन श्रीवास्तव जी के साथ की।